हेलो पीपल, खाना बनाना और लोगों को खिलाना किसे पसंद नहीं। हम सब अपने कुकिंग से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप किसी फंक्शन के लिए घर में कुकिंग कर रहे हैं और आपके कजिन्स जो कि NRI हैं, अमेरिका से आए हुए हैं और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको हींग चाहिए, आप कैसे मांगेंगे अपने NRI कजिन से, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो दोस्तों, इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा मसालों के नाम इंग्लिश में। वॉच फुल एपिसोड एंड इंक्रीज योर वोकैब। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितने नेम पहले से पता थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला नाम जो कि हमारे लिस्ट में है, पता नहीं आपको देख करके पता चल पा रहा है कि नहीं, हो सकता है आपको ये गुड़ लग रहा हो लेकिन ये गुड़ नहीं है, ये है हींग। चलिए आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको बताना है हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपका समय हुआ समाप्त। हींग को इंग्लिश में कहते हैं SFOETIDA। नेक्स्ट जो मसाला है वो है तेज पत्ता, जो कि आपको देख के पता चल रहा है। तेज पत्ता को इंग्लिश में कहते हैं बे लीव्स। नेक्स्ट मसाला ये जो है आपको पता चल रहा होगा देख करके, इसको काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काली मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर कॉर्न या ब्लैक पेपर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये है नमक। कौन सा नमक? जी हाँ, काला नमक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन रॉक्स सॉल्ट। नेक्स्ट है इलायची, जो कि बिरयानी में आ जाने से हमारा टेस्ट बिल्कुल ही खराब हो जाता है, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, इसका फ्रेग्रेंस बहुत सही होता है इलायची। इलायची को हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम। नेक्स्ट हमारा जो मसाला है वो है देखिए अजवाइन। अजवाइन को इंग्लिश में हम कहते हैं कैरम सीड्स, थाइमोल या सैलरी सीड्स। नेक्स्ट मसाला जो है, जी हाँ, लाल मिर्च। लाल मिर्च को क्या कहते हैं? सबको पता है चिली पाउडर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है देखिए, देख के पता चल रहा है, इसको कहते हैं दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिनेमन। नेक्स्ट जो मसाला है वो है लौंग, और लौंग को कहते हैं क्लोव। नेक्स्ट मसाला देखिए, ये है धनिया। धनिया को हम कहते हैं कोरिएंडर या सिलेंट्रो सीड्स। नेक्स्ट जो मसाला है वो है जीरा। जीरा को हम कहते हैं क्यूमिन सीड्स या कैरावे सीड्स। नेक्स्ट मसाला देखिए, देख के पता चल रहा होगा आपको, कड़ी पत्ता है ये। कड़ी पत्ता को इंग्लिश में हम कहते हैं करी लीव्स। नेक्स्ट जो मसाला है देखिए, पता चल रहा है आपको, जी हाँ, ये है अमचूर। अमचूर को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई ग्रीन मैंगो पाउडर। नेक्स्ट जो मसाला है सौंफ है। सौंफ को हम इंग्लिश में कहते हैं फिनेल सीड्स। नेक्स्ट देखिए, देख के पता चल रहा होगा आपको, जी हाँ, मेथी दाना है शायद, यस, मेथी दाना, और इसको हम कहते हैं फेन्यूग्रिक सीड्स। नेक्स्ट जो है ये है अलसी, या इसको तीसी भी कहते हैं नॉर्थ साइड में, अलसी। अलसी को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। नेक्स्ट जो है हल्दी। हल्दी को क्या कहते हैं? सबको पता है टर्मरिक। नेक्स्ट लहसुन। लहसुन को भी क्या कहते हैं? सबको पता होगा मेरे ख्याल से, लहसुन को कहते हैं गार्लिक। नेक्स्ट है अदरक। अदरक को कहते हैं जिंजर, जी हाँ। नेक्स्ट मसाला ये देखिए, ये आपको देख करके शायद आप अनुमान लगा सकें क्या कहते हैं इसको। इसको कहते हैं जावित्री। ये केसर की तरह दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये है जावित्री, और जावित्री को हम इंग्लिश में कहते हैं मेस। नेक्स्ट जो है वो है राई या सरसों, जी हाँ, मेरे ख्याल से यस, राई या सरसों। राई, काले वाले को राई कहते हैं, पीले वाले को सरसों कहते हैं, और इसको सेम नाम से जानते हैं मस्टर्ड सीड्स। नेक्स्ट है इसको कहते हैं मंगरेला या कलौंजी भी कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइजेला सीड्स। नेक्स्ट है ये है हमारा जायफल।
जायफल को हम इंग्लिश में कहते हैं नट मेज. नेक्स्ट है, जी हाँ, अनारदाना, पोमीग्रेनेट सीड्स. नेक्स्ट यह है खसखस, या इसको पोस्तदाना कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉपी सीड्स. नेक्स्ट जो है, जी हाँ, ये आ गया आपका केसर, या जाफरान भी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैफ्रॉन. यस, सैफ्रॉन. नेक्स्ट आपका है, ये तिल है, और तिल को हम इंग्लिश में कहते हैं सीसम सीड्स या जिंगीली सीड्स. नेक्स्ट है, ये चक्र की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं चक्र फूल या चक्री फूल कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टार एनाइज. नेक्स्ट है इमली, जी हाँ, और इमली को हम कहते हैं टैमरिंड. नेक्स्ट है आंवला या अमला, और इसको हम कहते हैं गूजबेरी. नेक्स्ट है पुदीना, पुदीना को हम कहते हैं मिंट. नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको घास की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको हम डालते हैं चाय में, इसको हरी चाय की पत्ती भी कहते हैं, या इसको नींबू घास कहते हैं. चाय में अलग ही फ्लेवर लाता है ये, अदरक की तरह, लेमन की तरह. आपको अलग से चाय पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम कहते हैं लेमन ग्रास. नेक्स्ट जो है, यहाँ ये मेहंदी की तरह दिख रहा है, मेहंदी ही होती है, और इसको हम कहते हैं रोज मेरी. तो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप लगभग 40 से 42 तरीके के जो प्रोडक्ट हम डेली यूज़ में लाते हैं, उनके नाम आपको इंग्लिश में पता चले. बहुत सारे नाम आपको पहले से पता रहे होंगे, आई होप. तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने नाम पहले से पता थे और कितने नाम आपको नए सीखने को मिले. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपनी मम्मी के साथ, जो भी कुकिंग करती हैं, उनके साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें अप्रिसिएट करें. प्लस आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं कि हमें और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि NCERT जो एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता है, उससे रिगार्डिंग तो आप उस तरीके के टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हो. सो देखते रहिए NCERT जोन, बने रहिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. Thanks. Thank you very much for watching this video.